आज हम बनाएंगे बादाम का हलवा। बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप इसे बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए या खुद भी खाइए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बादाम को पानी में भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। और अब हम इनके छिलके अलग करने हैं। तो इनके जो छिलके हैं ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं पानी में भीगने के बाद, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इन्हें निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कि देखिए, मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। बहुत ही आराम से निकलते हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे बादाम को पहले छील लेते हैं। तो यहाँ पर बादाम को मैंने छील लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पहले से हम मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम को पीस लिया है। इसे पीसने के लिए मैंने बिल्कुल भी दूध या पानी का यूज़ नहीं किया है, इसे हमें ऐसे ही पीसना है। तो चलिए अब हलवा बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है। और अब इस घी को हम यहाँ पैन में डाल देंगे। और इसमें से हम 2 चम्मच घी बचा लेते हैं, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। और अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी ली है। इस सूजी को हम इस घी में डाल करके भून लेंगे। इसे हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो इसे यहाँ पर मैं चलाते हुए भून लेती हूँ। तो ये देखिए, सूजी पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है। और अब ये जो बादाम हमने पीस करके रखे थे, उसे यहाँ इस घी में डाल देंगे। और अब इसे हम इसमें डाल करके अच्छे से भून लेंगे। बादाम को हमें तब तक भूनना है जब तक इस पर हल्का सुनहरा कलर नहीं आ जाता। इसे भूनने में हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है चलाते हुए। तो इसे मैं इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेती हूँ। बादाम को हम यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है। पर जब ये अच्छे से भून जाता है और इसका हलवा बनता है ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और आप देखेंगे कि भूनते भूनते जो इसका टेक्स्चर है, वो थोड़ा क्रम्बली सा हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही हमें भूनना है चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जो इसका कलर है, वो हल्का सा चेंज हो गया है। अभी मैंने इसे 3 से 4 मिनट भूना है। और अभी हम 4 से 5 मिनट इसे और भूनेंगे, ताकि इस पर थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बादाम को 8 से 10 मिनट के लिए भून लिया है और इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, उसे यहाँ पर डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे, देखिए। और अब यहीं पर मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी ली है, उसे डाल देते हैं, इसे मिला लेते हैं। तो चीनी को जब हम साथ में ऐड करते हैं, तो जो हलवे का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। इसलिए आप इसे साथ में ही ऐड करिए। और अब इसे मिलाते हुए हम पका लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा हलवा पकता जाएगा, आप देखेंगे कि ये थोड़ा थिक होता जा रहा है। इसे हमें चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो हलवा है वो थोड़ा थिक हो गया है। इस स्टेज पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसे चलाते रहना है। और अब देखिए, हमारा जो हलवा है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 क्रश की हुई इलायची ली है, उसे इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो घी हमने बचा करके रखा था, उसे अब यहाँ पर डाल देते हैं। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, जो हमारा हलवा है वो ऑलमोस्ट बन गया है। तो अभी से मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए और भूनूंगी। इसे बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इसी स्टेज पर चलाते रहिएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारा हलवा है वो अच्छे से भुन गया है और ये साइड्स छोड़ने लगा है कढ़ाई की। घी भी हल्का हल्का रिलीज़ हो गया साइड से। तो बस अब हमारा जो हलवा है वो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम को अब यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। और चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बादाम का हलवा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।